Effective empowerment necessitates a change in power, and this is precisely what Hand in Hand India has been striving to achieve in Rajasthan by collectivizing rural women and providing them with opportunities for capacity building, functional literacy, financial inclusion, digital literacy, skill development, and access to credit. These interventions have brought in life-altering changes, giving them the chance to alter current power relations and exercise choices for their own development. Hand in Hand India has been implementing the project Poverty Alleviation Through Women's Empowerment and Integrated Community Development in India across Rajasthan and Tamil Nadu, with support from Forum SID and Hand in Hand Sweden since 2017. In Rajasthan, the project focuses on rural women and works for their social and economic empowerment. The last phase of the project started in January 2021 and is in its last year of implementation. It is operational across into blocks of Jodhpur district, Rajasthan. घर की उम्र पिरो समाज एक और पिरो ही तुम्हें आओ नहीं जिनके बारे नहीं निकल देता बार नहीं निकल देता जन मौर समय ना तो नहीं खूना बारिश नहीं निकले खूना बार नहीं निकले जन मैं क्या कर कमाऊँ कहीं करूँ मान सिलाई घड़ी आती है थी पर मैं कर नहीं सकती As you know, during this COVID pandemic period, many of the people, they have lost their jobs, they have lost their businesses. The same situation has happened in our project area. ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से महिलाओं को फाइनेंशियल इंक्लूजन की ट्रेनिंग दी गई जिसमें बैंक बीमा और इसके साथ एंटरप्राइज के माध्यम से भी हम महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक विकास करने में मदद कर रहे हैं एक बार हम लोग गांव में गए कि मीटिंग है वहां पर देखा तो वहां बहुत सारी महिलाएं थी उन्होंने भी समझाया कि घर में बैठे बैठे आप क्या काम कर सकते हो पहले हमारे को अचार की ट्रेनिंग पापड़ की ट्रेनिंग हमारे को ये स्टोन और ये लगाना था ना लगाने आते नहीं थे तो इन्होंने ट्रेनिंग करवाई पहले मैं जब यहाँ आई थी शादी करके तो इतना बड़ा घूंघट करना पड़ता था लोगों से बात करने में भी घूंघट और इशारों से बोलना पड़ता था कि घर में कोई है या नहीं है पत्तिर गुजर नवाज टूट बिकर गई और बिकर गई नहीं मैंने पढ़ाई नडाई नहीं आती जब मैं बस हिसाब करूँ कहीं मैं खुलन मिन को बोल सकती हूँ और मैं बच्चों ने आगे बढ़ाने चाहूँ और मैं भी बढ़ने चाहूँ FI की ट्रेनिंग करवाई उसमें बताया पैसों वाली पर्ची कैसे भरे जाती है ATM कार्ड कैसे बनता है और बीमा करवाया पहले कुछ नहीं पता था ना कोई बताने वाला था सिलाई के लिए ट्रेनिंग दी लोन दिलाया और फिर मशीन दिलाने के बाद उन्होंने मेरे को कपड़े दिलाए मैंने सिलाई सीखी कसीदाकारी का काम की ट्रेनिंग करवाई तो उन्होंने मुझे हज़ार हज़ार के ना कपड़े दिलाए कसीदा करने के लिए कि आप उन महिलाओं को दो उनको भी सिखाओ आज वो भी दो पैसे कमा रही है और हम भी दो पैसे कमा रहे हैं पढ़ गई ही के और बाद में मैंने पच पास सिलाई ट्रेनिंग दी मैंने हैंड इन हैंड तरफ से और मैं सिलाई सीखी थोड़े नहीं कही जन थोड़ी घनी मार खान पे आया जन मैं थोड़ा आगे मार घरों खर्चो ही आलियो और बच्चों नहीं थोड़ो मैं पढ़ाऊँ मैं सिलाई रे बाद में मैंने बैग ट्रेनिंग दी नहीं जन हैंड इन हैंड सर तरफ हूँ मैंने ट्रेनिंग दी और बाद में मैं काम करियो और कच्चो माल लई कच्चो माल लापरो और मैं काम बढ़ाया जन मार थोड़ा घना पे ही आया मार बहुत ज़्यादा पे आऊँ ढूंका जन मैं बचत कर लूँगी मार बचत खाता में 15-20 हज़ार रुपये रखती मैंने स्कूटी चलाना सीखा काम भी करा और सामान भी लेकर आने के बाद यहाँ स्टार्ट करा और सब खुश है सारे जाते हैं जैसे कोई भील है कोई मोची है सब हम लोग एक छत के नीचे एकता से बैठते हैं कोई मतलब समूह बनने के बाद हम लोग इतना वो समझ गए कि एकता में ही जान है मुट्ठी मतलब बोलते हैं वन मुट्ठी एकता और खुल जाए तो खाक मैंने काम स्टार्ट करा तो उसके अंदर पैसों का हिसाब करने में परेशानी थी मोबाइल चलाना ही नहीं आता था तो हिसाब कैसे करती यहाँ पढ़ाई की बात आ रही थी तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि आप पढ़ सकते हो और हिसाब भी कर सकते हो तो मैं क्या इस उम्र में कौन पढ़ेगा कौन स्कूल जाएगा तो बोला पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है बस ओपन से फॉर्म भरना है और आपको एग्ज़ाम देने जाना है और पढ़ाई तो वो करा ही देंगे संस्था वाले छः महीने हमारी ट्रेनिंग चली पढ़ाई की 2-2 घंटे 3-3 घंटे आज मैंने पहले 10वीं पास करी 2018 में और आज अभी अब के साल 2021 के अंदर मैंने 12वीं पास करी है और मैं सेकंड डिवीजन लाई हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैंने 12वीं पास करी मारे मोबाइल इन वास्ते खरीदियो कि मैं मार कहीं लेन देन और करूँ क्यों मारा कपड़ों मंगाना हो लाना हो ले जाना हो
तो मैं बेचूँ कटन और मैं कपड़ों की कर लाऊँ और मैं दुकान आलाऊँ संपर्क की कर करूँ इन वास्ते मैं मोबाइल खरीदियो यूट्यूब चलाना ही कहो और बाद में मैं मार कॉम घर आप कच्चो माल लाई कच्चो माल लाऊँ हमें ऑर्डर लेना वे नहीं तो मैं मैंने सर ने फोन करूँ दुकान वाला ने और मैं दुकान वाला माल ले और दे अभी इतना बदलाव आया है 4 साल के अंदर मेरी जिंदगी में लाइफ में कि मैं लोगों से बात कर सकती हूँ लोग मेरी बात सुन सकते हैं समझ सकते हैं और मेरे घर के अंदर मेरे पति वो मेरा फैसला भी लेने के लिए मेरा सपोर्ट करते हैं बाहर लोग बाग भी पूछने लग गए पहले तो हम पंचायत में मीटिंग होती थी पता ही नहीं चलता था कि सरपंच मीटिंग कब लेते हैं अभी हम लोगों को बोलते हैं एक दिन पहले कि पंचायत में कल मीटिंग है तो आना है स्कूल के अंदर बच्चों की जैसे मीटिंग होती पेरेंट्स मीटिंग वो भी नहीं पता था अब तो मैं ही जाती हूँ मीटिंग में फिर हम लोग इस संस्था से जुड़ने के बाद 4 साल के अंदर मैं वोट देने लगी हूँ नहीं तो पहले वोट नहीं जानती थी वोट डलता कैसे जागृति सीएल में लीडर हूँ उन वास्ते मैंने हैंड इन हैंड मार साथ दियो और मार दिल से मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद हैंड इन हैंड इंडिया एज ए सी एल एन कोऑर्डिनेटर होने के नाते हमारा जो टास्क था कि 2017 से अभी तक जो हमने समूह बनाया उसका अभी हमें नेक्स्ट क्लस्टर लेवल नेटवर्क का निर्माण करना है हमने और हमारी टीम ने मेहनत की और हमने घर घर जाके महिलाओं को समझाया जिससे वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और हमने एक क्लस्टर लेवल नेटवर्क का निर्माण किया और धीरे धीरे हमारे 34 टारगेट जो है हमने अचीव किए हमने जो CLN बनाया है उनके कुछ विशेष विजन प्लान के अकॉर्डिंग बनाए हैं जिसमें उनका है पहला है स्वयं समूह का विकास दूसरा है स्वयं एवं परिवार का विकास तीसरा जो है CLN खुद का विकास चौथा है ग्राम पंचायत का विकास ये 4 मुद्दों पे हमने CLN बनाया है जिसका एक विजन प्लान तैयार किया है We had made a strategy that we will provide access to credit to these women and also we have provided business development training. अन्य सरकारी योजनाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई. And we have made a good effort that we made good market linkages to be sold in this urban areas and nearby market areas. इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी एक उपलब्धि है वो है महिलाओं के नजरिए में बदलाव जिसे हम पर्सपेक्टिव कहते हैं आज वो सामाजिक व्यवस्था को अलग तरीके से देखती हैं विकास और सशक्तिकरण के भेद को समझती हैं आत्मविश्वास से भरी हुई महिलाएं आज पितृसत्तात्मक जितनी भी कुरूतियां रीतियां हैं उनको चुनौतियां दे रही हैं और अपनी प्राथमिकताओं को जान रही हैं परिवार में चाहे समाज में हर तरीके के निर्णय लेने की प्रक्रिया में आज वो शामिल है ये जो 3,500 महिलाओं को हमने क्लस्टर लेवल नेटवर्क्स में जोड़ा है ये महिला हमारा काम अब गांव में आगे ले जाए खास करके 3 एरियाज में सबसे पहला सरकार के साथ मिल करके ये महिलाओं का जो नेटवर्क है ये गांव के विकास के लिए काम करें सड़क बिजली पानी एजुकेशन हेल्थ उसकी काम करें नंबर 2 सरकार के जितने सारे स्कीम्स हैं ये गांव के हर हाउसहोल्ड्स को इनसे जोड़े और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये जो प्रोजेक्ट था हमारा ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए था तो ये क्लस्टर लेवल नेटवर्क्स हमारे फेडरेशन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करें सो दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड फॉर द प्रोजेक्ट